इस रात को 2 बजे उठ के मेरे को हुक्की आई कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, और वीडियो कैसा बनाऊं उसके बारे में मैं 5-6 दिन से सोचा था। लेकिन रात को 2 बजे उठ के क्लैरिटी आई कि आपको मैं क्या दिखा सकता हूं। अभी दिखाने के चक्कर में चलो फिर शुरू करते हैं इस नए वीडियो की। सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, आप उसको ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो, बस हो जाएंगे 1-2 लाख। तो आज हम देखने वाले हैकर्स। हैकर्स वो टट्टे के कीड़े होते गाइस जो इन गेम आके आपकी गार मारते हैं। जो बड़े बड़े स्ट्रीमर्स है गाइस, अभी नाम तो नहीं लूंगा, क्या हुई, लेकिन अब क्या करते वो कि उनके पास तो स्किल है, लेकिन अब अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है और अगर तुमको उसको मारना है तो तुम कैसे मारोगे? एक तुमको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी या फिर तुम हैक लगा लोगे। तो ऐसे कुछ हैकरों को आज देखते हैं हम। हैकर नहीं, टट्टे के कीड़े बड़े। ये बड़ी अच्छी बात कही। कुछ मादर कुमड़े तो ऐसे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाके भी हैक करते हैं, और कुछ ऐसे नराधम है कि जो ऑनलाइन स्ट्रीम करते हैं और उनको लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे। सबसे ऊपर आता है ये बंदा फॉर सेकेंड। ये बंदा समझ रहे हो, ये बंदा ई-स्पोर्ट्स प्लेयर है, अपने इंडिया को शंघाई में रिप्रेजेंट किया था, और गाइस 2 किलो गु खा के आ गया था। तो गाइस होता कुछ ऐसा है कि शंघाई में इवेंट होता है, और वहां पे इवेंट पे जाने के बाद ये बंदा लैन इवेंट खेल रहा है और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसका जो गेम प्ले उसको देख के मतलब हर एक को वहां पे उसको डाउट होता है कि ये कैसे खेल रहा है ऐसे। तो फिर एडमिन उसका पीछे चेक करता है, और अभी उसकी धड़कनें तेज हो गई है, खतरनाक वाली। बाकी के लोग भी देख रहे कि ये कर क्या रहा है। ओ और ये क्या है, ये क्या चुतियापा चोद रहा है बे, चुतियापा। बाकी आंख लग गए भाई, ये बाजूला सोच रहा है इसका करियर तो गया। मतलब शर्मनाक बात है भाई, ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक बात है, इसको भूलना नहीं चाहिए हमने। बिकॉज आगे जो भी टूर्नामेंट आ रहा है इंटरनेशनल टूर्नामेंट, रुके जा मेरे को बोलने दे। मतलब आगे जो टूर्नामेंट आते हैं इन फ्यूचर, उसके लिए बहुत ही खतरनाक अपना जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। मतलब जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो ना, तो आप देश की जो इज्जत है वो दाव पे लगाते हो गाइस। सो शंघाई में जाके ये मस्त 2 किलो गु खा के आया, और उसके बाद 5 साल के लिए ये टीम बैन हो गई, इंडिया से कोई भी टीम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगर कोई मामूली बंदा होता तो बात अलग थी, मतलब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में जाके हैक कौन करता है बे, वो भी लैन इवेंट पे। मतलब इसको इतनी गारंटी थी कि मतलब वो पकड़ा नहीं जाएगा, मतलब जो बाकी के जो बंदे थे आसपास वाले वो अंधे। फिर आता है इंडिया में एक गेम जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े, सारे रिकॉर्ड मतलब सारे रिकॉर्ड, पबजी मोबाइल। गाइस ये वो टाइम था जहां पे बच्चे से लेके बूढ़े तक सारे गेम खेलते थे। मतलब कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, कोई कारपेंटर है, कोई पेंटर है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई गाड़ी पे जा रहा है, कोई बड़ा मालिक है, कोई छोटा मालिक है, कोई कुछ है, कोई बजे तल रहा है, कुछ ये कर रहा है, सारे पबजी खेलते थे ब्रो। और हर दिन कोई ना कोई नया स्ट्रीमर बनता था, और उस टाइम में ना गाइस डायनामो या फिर स्काउट ये तो खतरनाक लेवल पे गेम खेलते थे। डायनामो या फिर स्काउट है, इनको अगर आपको पीछे करना है तो आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मतलब स्किल वाइज, या फिर आप हैक कर सकते हो। तो ऐसे ही एक जानवर को हमने पकड़ा है, क्योंकि इसको जानवर बोलेंगे, बिकॉज इन लोगों ने ना ट्रस्ट तोड़ा है, ऑडियंस का ट्रस्ट तोड़ा है, इसलिए मेरे लिए कहना क्या चाहते हो, मेरे मुंह से ना इनके लिए अच्छे वर्ड नहीं निकल सकते। सो गाइस उस स्ट्रीमर का नाम है रॉक, रॉक। गाइस होता कुछ ऐसा है कि ये बंदी स्ट्रीम कर रही थी, अरे जियो वाले वो दे रहे भाई प्रीति। ओके तो गाइस 4 साल पहले लाइन में दिख गई, अभी इसका रिएक्शन देखो, मुंह देखो इसका, माँ की यार मुंह भाई, ये सोच रही कि जैसे स्किन चेंज करूं, हो नहीं रही थी, पैनिक हो गई थी ये, पकड़ी गई, उसका टीममेट बोल रहा है कि पकड़ी गई। ओ गाइस हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ हैक। यार पहले तो मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अभी इसके पहले मैंने स्ट्रीम किया, हम चूते चूते और ऑडियंस इज चूतिया, टुक 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 का आवाज सुनते रहते होगे, वो एक टुक 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 गाइस है, टुक टुक ब्रो रहते हैं अभी के, जो भी आप लोग टेक्स्ट करते हो मुझे, गलती से क्लिक हुआ, वाओ प्रमोशन के लिंक की वजह से मैंने उस पे क्लिक किया, नाइस आइडिया। मतलब ऑडियंस को ये बोल रही है बंदी, ए रुक, मैं है ना इधर समझाने के लिए ऑडियंस को, तू वेट, मेरी ऑडियंस को मैं समझाएगा कि तूने क्या किया अभी। देखो गाइस एम हैक, ये हैक, वो हैक होते थे पहले पबजी मोबाइल, जब इम्यूलेटर के गेम खेलते थे लोग, तब आई थिंक है ना सिक्योरिटी की इतनी कुछ मतलब दिक्कत नहीं होती थी, जब नया गेम था ना तो मतलब बहुत सारे लूप होल्स थे उस गेम के अंदर, और जो लोग इम्यूलेटर पे गेम खेलते थे ना, तो उसके अंदर जो फोल्डर होता है गाइस गेमिंग का जहाँ पे गेम इंस्टॉल्ड होता है, वहां पे लोग क्या करते थे, फाइल्स ऐड करते थे जिससे कि हैक क्रिएट होता था ऑटोमेटिकली, ये पेड हैक भी होते थे या फिर फ्री हैक भी होते थे। लेकिन वो हैक लगाने के बाद आपको लिटरली ना बंदे की पोजीशन पता चलती थी, और अभी सफाई दे रही कि मैंने प्रमोशन के चक्कर में ये कर लिया,
दीदी दीदी हम है इधर, हमको समझ में आता है। तो इस बंदी की मतलब जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिकॉज ये बंदी बहुत टैलेंटेड थी और उसकी वजह से ना बहुत सुपर चैट उनको आते थे, बिकॉज गेम प्ले इतना अच्छा होता था बिकॉज ऑफ हैक। उसके बाद जब वो एक्सपोज हो गई उसके बाद उनका चैनल डेड हो गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हैक करो, ऑफलाइन करो, कोई टेंशन नहीं है, मजे के लिए करो, लेकिन किसी का गेम प्ले खराब करने के लिए मत करो। आप आई नो कि आपका गेम प्ले अच्छा दिखता है उससे, लेकिन एक बार जब ऑडियंस को आपका असली चेहरा दिखता है ना, तो फिर आपको ऑडियंस इतनी खतरनाक हेट करती है ना, फिर गांड मार देती है आपकी। तो इसी के साथ गाइस वीडियो छोटा रखते हैं, बिकॉज बड़ा वीडियो बनाने के बाद कोई देखेगा नहीं। सो ये पहला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट अच्छे से आएगा। अगर इसके अंदर 100 लाइक आते हैं अपने को तो दूसरा पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो फटाफट से लाइक कर दो चुम्मा, आप उसको ऐसे ही सब्सक्राइब कर दो, बस हो जाएंगे 1-2 लाख।